hello good morning dear students exercise 15.2 some basic point first we take coordinates okay are you ready अरेंजमेंट कर लीजिए आप सबका अपना नोटबुक बुक पेन पेंसिल इरेजर एंड ग्राफ नोटबुक ओके आप को ग्राफ नोटबुक में इसका सॉल्यूशंस करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स? लुक इन नोट्स दिस इज योर नोट्स आपको भी नोट्स कंप्लीट करना है गुड हैंड राइटिंग में करना है ओके okay? और नोट्स नोट्स और वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस करना है ग्राफ नोटबुक में और ग्राफ नोटबुक में सॉल्यूशंस करने के बाद में उसको आपकी मैथ नोटबुक में पेस्ट करना है जिधर एक्सरसाइज है उधर क्वेश्चन नोट डाउन करना है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन का ग्राफ वाला पेज पेस्ट करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स you know about x axis okay x axis ka jo other name kya hai aur horizontal axis and y axis y axis means vertical axis clear that okay to ye x axis pe jo bhi points hoga hai na wo x coordinates okay? and y-axis पे जो भी point लाइक like करेगा locate करेगा वो वाई कॉर्डिनेट क्लियर डेट ये एरो के अकॉर्डिंग एरो साइड में ना एक्स एक्सिस तो ये कौन सा बेटा एक्स कॉर्डिनेट ओ कलियर एंड इस टाइप का जो है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है वो कौन सा कॉर्डिनेट होगा बेटा वाई कॉर्डिनेट क्लियर एंड यू नो एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे बेटा ओरिजोंटल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या कहेंगे वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस एन मीट एट बहुत एक्सेस ऐसा पॉइंट इधर बहुत एक्सिस मीन्स एक्स एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस जहाँ मीट करते हैं जहाँ मिलते हैं वो आपका पॉइंट शो कहलाएगा ओरिजिन क्लियर और ओरिजिन और के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे बेटा ज़ीरो कोमा ज़ीरो एकमात्र ऐसा जो है पॉइंट है इधर एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होएगा इसको क्या कहेंगे ओरिजिन और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होंगे जीरो कोमा जीरो इधर के पॉइंट क्या होंगे जीरो कोमा ज़ीरो क्लियर नेक्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एपसिशा ये बेटा फिल इन द ब्लैंक एम सी क्यू में आएगा और ये आपका एडवांस है पॉइंट जो आपको नाइन टेन में यूज है एट में भी है क्लियर एक्स कोऑर्डिनेट का जो नेम क्या है एप्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट क्या है बेटा ऑर्डिनेट आपको ये नाम सुना हुआ है कि मैंने इससे पहले आपको बताया बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिला के क्या कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेट और केवल वाई एक्सिस का पॉइंट है वो क्या कहलाएगा बेटा ऑर्डिनेट क्लियर कंफ्यूज नहीं रखना है ना ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस पॉइंट क्लियर एंड कोऑर्डिनेट मीन्स बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों पॉइंट हैं वो आपका कोऑर्डिनेट्स होगा ओके एक्स एक्सिस का नेम क्या है एप्सिसा एंड वाई एक्सिस का नेम क्या है ऑर्डिनेट नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई जिक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक और एम सी क्यू में क्वेश्चन आता है इस टाइप का बोर्ड के पेपर में आता है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है वाई जीक्वल्स टू जीरो होता है एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पे जो वाई का कोई मीनिंग रोल नहीं है है ना तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होता है जीरो होता है सो वी कैन से डेट वाई जीक्व टू ज़ीरो और इसको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में चाहिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो एक्स एक्सिस तो लाइक करेगा उधर वाई एक्सिस लाइन नहीं करेगा सो वी कैन राइट एक्स कोमा ज़ीरो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस तो ऑप्शन में दे रखे हो तो आपको क्या फिल करना है कौन सा राइट करना है एक्स कोमा ज़ीरो ओके और इक्वेशन आए तो वाई इज टू ज़ीरो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा वाई एक्सिस पे एक्स लाइक like करेगा क्या नहीं ना इसलिए क्या हो जाएगा एक्स एजिक्वस टू ज़ीरो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स एजिक्वस टू जीरो और अगर पॉइंट्स में इसको ऑप्शन हैं तो वाई एक्सिस वाई एक्सिस मीन्स एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो कोमा वाई क्लियर आपको एक बात और बता देता हूँ जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स वाला ही होगा सेकंड वाला वाई वाला ही होगा ऐसे ओके ऐसा नहीं कि वाई कुमार जी जो तो करते वो रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन एक्स की है एक्स एक्सिस की पॉइंट की और सेकंड पोजीशन वाई एक्सिस के पॉइंट का है नेक्स्ट पॉइंट ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है जितना है ना इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको ऊपर ज़्यादा फोकस करना है इसको अच्छे नोट्स बनाना आप क्लियर ये आप संभाल के रखना जब भी कोई भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे इसी में से ही पूछूंगा है ना तो आपको क्विकली आंसर देना है ओके कल वाली क्लास में मैं पूछूंगा मंडे को है ना क्लास लाइव तो उसमें ये नोट्स आपको रीड करके रखना है इसमें से क्वेश्चन करूंगा पॉइंट जीरो कोमा ज़ीरो बेटा जीरो कोमा ज़ीरो मैंने कहाँ बताया आपको ऑरिजिन पे बताया ना हाँ तो इसका किल ब्लैंक आ जाए एम आ जाए तो आपको राइट right करना है रॉन्ग नहीं करना है जीरो कोमा ज़ीरो लोकेटेड एट ऑरिजन और ओरिजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए ओरिजन मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिधर मिट करते हैं ना जहाँ मिलते हैं उसको ओरिजन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट एक्स कॉमा जीरो एक्स कोमा जीरो अभी बताया ना मैंने आपको एक्स मीन्स एक्स पॉजिशन पे एक्स पॉजिशन मीन्स एक्स एक्सिस पे क्लियर बच्चों एक्स कोमा जीरो कहाँ लाइक करेगा एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट जीरो कोमा वाई जीरो कोमा वाई तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा ये इधर करेगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो जीरो कोमा वाई लोकेटेड एट वाई एक्सिस क्लियर नेक्स्ट पॉइंट एक्स कोमा ज़ीरो बहुत पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ओके ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ओके नेक्स्ट और ये भी बता दिया था मैंने फिर भी आपको ऐसा लिखवाया नोट्स में फर्स्ट इज एक्स एक्सिस पॉइंट एंड सेकंड इज वाई एक्सिस पॉइंट क्लियर तो फर्स्ट वाला है वो कौन सा है एक्स एक्सिस पॉइंट है और सेकंड वाला कौन सा है वाई एक्सिस पॉइंट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्लियर इधर का पॉइंट इधर और इधर का पॉइंट इधर, इधर, इधर नहीं कर सकते हैं आपको कभी भी नोट डाउन भी करना होगा ना ब्रैकेट बनाना ब्रैकेट का यूज़ करना होगा और फर्स्ट पॉइंट आपको जब भी लिखोगे वो एक्स वाला ही होगा सेकंड वाला वाई वाला ही पॉइंट होगा क्लियर इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्लियर ओके अभी एग्जाम्पल करेंगे आप सभी अपनी बुक में देखोगे बेटा टू हंड्रेड फोर्टी वन और टू हंड्रेड फोर्टी टू नेक्स्ट पेज पे अपने को देखना है फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो लुक योर बुक पेज नंबर टू फोर्टी वन एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री अब क्वेश्चन बनते हैं प्लॉटिंग के है ना मीन पॉइंट गिवन होता है उसको प्लॉट करना होता है तो ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में है एग्जाम्पल में है आपको ग्राफ नोटबुक में करना है ओके okay? एग्जाम्पल का क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपकी होमवर्क नोटबुक में और ये जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको क्या करोगे ग्राफ नोटबुक में जो पेज है है ना फुल पेज नहीं हो तो उसका हाफ कर ले सकते हाफ़ कर सकते हो और ये वर्क ग्राफ पेपर में आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही करना है ऐसा नहीं कि कोई पेन और हाथ से ऐसे कर रहे हैं है ना तो इसको पेंसिल का और स्केल का यूज़ करते हुए करना है जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको क्लियर समझ गए ना ये एग्ज़ाम्पल मैं समझा रहा हूँ ये एग्ज़ाम्पल वाला क्वेश्चन आपकी होमवर्क नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए और ये ग्राफ पेपर पर होना चाहिए क्लियर लो प्लॉट द प्लॉट द पॉइंट फोर कोमा थ्री ऑन अ ग्राफ शीट इज इट द सेम एज द पॉइंट थ्री कोमा फोर क्लियर अपन चेक कर लेते हैं फोर कोमा थ्री अपने को ग्राफ में करना है तो ये आपने क्या किया एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है वाई एक्सिस क्लियर एक्स एक्सिस जो है इसमें आप लोग क्या है बेटा क्या है फोर कोमा थ्री तो फोर कौन सा एक्सिस पे है फर्स्ट कौन सा बताया मैंने एक्स एक्सिस और सेकंड कौन सा है वाई एक्सिस क्लियर फोर एक्स एक्सिस पे हो गया और थ्री किधर हो गया वाई एक्सिस पे तो ये दोनों को मीट करना है मैच करना है इधर आ रहा है और ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है क्लियर तो ये जो हो गया आपका फोर कोमा थ्री हो गया अभी जो है तो क्या करेंगे थ्री कोमा फोर करना है थ्री कोमा फोर थ्री से पॉइंट पे देखोगे बेटा एक्स एक्सिस पे और फोर से पे देखोगे वाई पे दोनों को मीट करना है तो दोनों इधर है एक तो इधर आ रहा है और ये वाला इधर आ रहा है है ना तो सेम है क्या ये नहीं है ना इनकी पोजिशन क्या है प्लॉटिंग अलग अलग है ना हाँ डिफरेंस है क्लियर समझ में आ गया ना प्लॉटिंग करना है ना और भी मैं बताऊँगा आपको अभी ओके तो क्या है डिफरेंस पॉइंट है सेम नहीं है क्लियर तो इतना नहीं लिखना है नॉट सेम पॉइंट डिफरेंस इतना ही लिख लेना है एग्जाम्पल नंबर फोर फिगर गिवन है आपको है ना एक्स एक्सिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड वाई एक्सिस ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके अब ये पॉइंट अपने को क्या है चूज द लेटर एज दैट इंडिकेट इज द लोकेटेड ऑफ़ द पॉइंट गिवन बिलो ये पॉइंट कहाँ है उसको इंडिकेट करना है टू कोमा वन जो है वो उसका नेमिंग क्या है वो आपको एक ए बी सी डी ऐसे चेक करना है तो टू कोमा वन टू किधर देखोगे कि बेटा एक्स एक्सिस पे और वन किधर चेक करना है वाई एक्सिस पे तो टू पहले आपने देखा एक्स एक्सिस पे ये अपसाइड में कहाँ जाता है बेटा वन इधर है ना ये तो ये इसका लोकेटेड नंबर क्या है ई e. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई e. क्या हो जाएगा बोलो ई e. क्लियर पेंसिल से आप नोट कर सकते हो जीरो कोमा फाइव ज़ीरो जीरो पोजीशन पे है और वाई एक्सिस वाला पॉइंट है ना तो वाई एक्सिस पे ही अपने को फाइव को चेक करना है ओके तो ये अपने जीरो हो गया ये और सेकंड पोजीशन है ना बेटा तो सेकंड पोजीशन वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे चेक करना है फाइव ए वन टू थ्री फोर फाइव ये लोकेटेड है तो फाइव पे हो गया ना वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होता ही सर

ओके okay. तो इसको पूरा कंप्लीट करना है और आपको बताना है क्लियर एग्जांपल नंबर फाइव ये आपको प्लॉट करना है है ना प्लॉटिंग करना है और फर्स्ट अपन चेक कर लेते हैं अदर अदर आपको ये होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं फर्स्ट ज़ीरो कोमा टू जीरो कोमा टू जो है इसके लिए अपने को ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस नोटेट करना है वाई एक्सिस नोटेट करना है और इसमें काउंटिंग कम से कम है ना मिनिमम कितना फ़ाइव टू टेन तो होना ही चाहिए है ना फाइव टू टेन और ये फ़िक्स इसके बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है फिक्स होती है ओके ये सब फिक्स होना चाहिए तो जीरो कोमा टू किस पे चेक करोगे बेटा ये तो एक्स पॉइंट होता है ये वाई पॉइंट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट पे क्या है टू तो वाई कोऑर्डिनेट पे टू ही चेक करना है जीरो वन और टू तो ये हो गया पॉइंट ठीक है यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दिया आपने ए बी सी डी कुछ भी मार्क कर सकते हो फिर क्या है बच्चों जीरो कोमा फाइव तो ये जीरो कोमा फाइव किधर है ये फाइव किधर है ये रहा फाइव ठीक है ये नोटेट करके आपने जीरो कोमा फाइव कर लिया फिर जीरो कोमा सिक्स इसी लाइन में आपको सिक्स वाला पॉइंट है जीरो कोमा सिक्स ओके अब ये चेक करना है जीरो कोमा थ्री पॉइंट फाइव जीरो कोमा थ्री पॉइंट फाइव कहाँ होता है हमको नहीं पता तो देखो बेटा जीरो कोमा थ्री पॉइंट फाइव तो जीरो कोमा थ्री तो दो इधर हो गए और थ्री पॉइंट फाइव आप अपने ग्राफ नोटबुक में चेक करोगे ना इतने बिटवीन है ना स्मॉल स्मॉल ऐसे ऐसे डोटेड लाइन होता है है ना तो फोर और फाइव के बिटवीन क्या होता है थ्री पॉइंट फाइव होता है तो यहाँ पे इसके बिटवीन आपको लोकेट करना है पॉइंट करके इधर आपको ब्रैकेट में जीरो कोमा थ्री पॉइंट फाइव ओके और इस सारे को स्केल की हेल्प और पेंसिल की हेल्प इसको क्या करना है आपको ज्वाइन करना है पॉइंट्स को तो ये क्या है वेरीफाई हो गया लाइन पे लाइक कर रहा है ना हाँ तो ये वेरीफाई okay? द तो लाई ऑन द लाइन ओके तो लाइन पे लाइक कर रहा है है ना वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है कौन सा एक्सिस पे लाइक कर रहा है वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है द लाइन इज वाई एक्सिस ओके क्लियर ओके स्टेप आपने नोटेड भी कर लिया दिस लाई ऑन अ लाइन लाइन पे है ये ना है वाई लाइन पे है लाइन का नेम क्या है वाई एक्सिस है क्लियर तो इसी टाइप से ये जो आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ ये आपको होमवर्क में करना है क्लियर ओके एग्जाम में एग्जांपल भी ज़्यादा आते हैं अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाऊंगा फिफ्टीन का ओके लुक लुक ये